जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। मैं उस्मान मजीद और आप देख रहे हैं द किंग मेकर यूट्यूब चैनल। और आज के दिन में जनाब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो ये हैं कि नंबर वन, आप अपनी फ्रीलांसिंग जो स्किल है उसको और इम्प्रूव करें, यानी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझें, इंडस्ट्री की नीड को समझें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अभी तक जो फ्रीलांसिंग के लिए मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो है फेसबुक, और अब जो हम मीडियम यूज़ करने वाले हैं इस मॉड्यूल के साथ वो होगा फाइवर। तो फाइवर पे काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रीलांसिंग को समझे हों, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझे हों, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नंबर टू, ये जो सॉफ्टवेयर हम करने जा रहे हैं ये हमारा कोर सॉफ्टवेयर है इस 6 मंथ कोर्स का। कोर सॉफ्टवेयर से मुराद मेरी ये है कि ये बुनियादी सॉफ्टवेयर होगा या मेन सॉफ्टवेयर होगा जिस पे हम काम करेंगे, क्योंकि जो भी हमें प्रोजेक्ट फाइवर पे फ्रीलांसर से, अपवर्क से, गुरु से, ये जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मिलेंगे, उनमें मेजॉरिटी पे जो काम आपको मिलेगा उसमें यूज होगा एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है? तो इसके प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे, इसकी क्लासेस भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। मेरे जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं और इस चैनल के, उनको मैं ये बताता चाहूँ कि ये जो क्लासेस कंटिन्यू सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हो, ये प्लेलिस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूटेक यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये उनसे है, रिलेटेड है। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अलग से पूरी एक प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एडोब इलस्ट्रेटर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2019 हम यूज करेंगे इस कोर्स के दरमियान। और अगर आप लोगों के पास सीसी 2019 अवेलेबल ना हो तो आपको मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और न सिर्फ के एडोब इलस्ट्रेटर बल्कि बहुत से और सॉफ्टवेयर्स भी आपको वहाँ फ्री और क्रैक हुए हुए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर जो आप इस टाइम पर एडोब फोटोशॉप तो यूज़ कर चुके हो, एडोब इलस्ट्रेटर जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये एडोब कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं और दोनों ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, इसलिए काम करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि दोनों सॉफ्टवेयर क्योंकि एक ही तरह के हैं तो क्वेश्चन आता है जहन में स्टूडेंट के कि तो फिर दोनों सॉफ्टवेयर यूज क्यों कर रहे हैं, वाई नॉट कि हम कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लें। हम स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि एक रास्टर ग्राफिक है और एक तरफ वेक्टर ग्राफिक है। रास्टर ग्राफिक जो होता है ये एडोब फोटोशॉप इसको डील करता है, बिटमैप या रास्टर ग्राफिक एक ही चीज़ है, इनको डील करता है एडोब फोटोशॉप। और जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं उनके साथ डील करेगा एडोब इलस्ट्रेटर। तो आप यहाँ पर दोनों में एक फर्क देख सकते हो, वो ये है कि आपको जो रास्टर ग्राफिक है वो पिक्सलेट एनवायरनमेंट में नजर आ रहा है, उसके कॉर्नर्स जो है वो पिक्सलेट है, और जो वेक्टर ग्राफिक आपको नजर आ रहा है इसमें पिक्सल्स का कोई लेना देना नहीं है। तो इसके कॉर्नर पे या इसके बाहर आउटर बाउंड्री पर जो आप सेमी वेक्टर शेप्स देख चुके हो फोटोशॉप में, यहाँ वो सेमी वेक्टर नहीं है, यहाँ वो प्रॉपर वेक्टर शेप्स हैं। तो वो आपको विजिबल भी वैसी होंगी, उनके कॉर्नर पे पाथ भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ इन दोनों में एक फर्क तो ये है, ठीक है? अच्छा जनाब, तो इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पर आते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर सीसी 2019 इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अभी मैंने इस पे फाइल क्रिएट नहीं की है, तो मैं नंबर वन इस पे फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, या आप फाइल से भी ओपन कर सकते हैं या कंट्रोल एंड भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ जो आपके सामने इलस्ट्रेटर जो आपके पास वर्क एरिया आ रहा है वो यहाँ पर जो पहले से मौजूद प्रीसेट्स है जो आप रेगुलर यूज करेंगे वो भी यहाँ पर दिखेंगे। तो मैं यहाँ से करने लगा हूँ क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू करने पर मेरे सामने एक स्क्रीन आएगी, ये स्क्रीन भी आप फेमिलियर हैं, एडोब फोटोशॉप में भी ऐसी ही स्क्रीन आती है। और जो लोग लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हो एडोब फोटोशॉप का, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपर वर्जन डाउनलोड कर लो, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ। तो यहाँ जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है इसमें भी हमारे पास यहाँ मोबाइल
से रिलेटेड प्रीसेट मौजूद हैं, वेब से रिलेटेड प्रीसेट्स हैं, प्रिंट से रिलेटेड, फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। हम जो मेजॉरिटी में यहाँ पर देखने जाएंगे या जिस पे हम काम करेंगे वो है प्रिंट प्रोफाइल। और प्रिंट प्रोफाइल में आप बाद में आके साइजेस चेंज करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स दूंगा। इसमें अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, A4 प्रीसेट ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पर A4 पे क्लिक करना है। अब स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पर विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स, ब्लीड, ये कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इनको भी डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। मगर अभी नंबर वन आप क्या करेंगे, यहाँ जो पॉइंट्स लिखा हुआ है आप इसमें यूनिट चेंज करेंगे, वो होगा इंचेस, हम इंचेस का यूनिट यूज करने वाले हैं। और उसके बाद ओरिएंटेशन, लैंडस्केप भी यूज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, बट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट। ब्रीड क्या है बाद में आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल सेलेक्ट किया है, A4 प्रीसेट सेलेक्ट किया है और यहाँ पर जस्ट इंचेस कन्वर्ट किया है अपना यूनिट एंड देन क्रिएट। अच्छा जनाब, आप देख सकते हो एक हमें पेज नजर आ रहा है। फोटोशॉप हम यूज करते थे उसमें जो पेज हमारे सामने ओपन होता था उसको हम पेज नहीं बोलते थे, कैनवस कहते थे। रीजन के फोटोशॉप जब बनाया गया था उसका बुनियादी पर्पस ये था कि फोटो एडिटिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर हो। तो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जो वर्ड है वो आप यूज किया आपने कैनवस के नाम से, ठीक है। तो आप जानते हो इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि कैनवस क्या होता है। अब जो एडोब इलस्ट्रेटर पे आपको पेज सामने नजर आएगा तो वो कहलाएगा आर्ट बोर्ड। और ये आर्ट बोर्ड क्यों कहला रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था एडोब इलस्ट्रेटर तो इसका जो मेन रीजन था बनाने का वो ये था कि एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। तो एडोब इलस्ट्रेटर इज अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों सॉफ्टवेयर ग्राफिक इंडस्ट्री में इतने ज्यादा आगे बढ़े और इसमें टूल्स कुछ ऐसे यूज होने शुरू हो गए या ऐसे टूल्स आने शुरू हो गए जो ग्राफिक इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करने लग गए। और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों सॉफ्टवेयर इस टाइम पर अगर आप कहो तो ये दो दी बेस्ट टूल्स हैं या दो दी बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए। और इस टाइम पर दुनिया में इंटरनेशनली जहां पर भी काम हो रहा है इन दो टूल्स पे, मेजॉरिटी में इन दो टूल्स पे काम हो रहा है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो हमारे सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है इस पे हमें नजर आ रहा है एक साइड पे पैलेट्स हैं, एक साइड पे टूल बार है, ऊपर एक मेन्यू बार है आपको नजर आ रही। ये असेंशियल सेटिंग है CC 2019 का, बट जो इससे ओल्डर वर्जन यूज करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको यहाँ पर काफी सारी चीजें मिसिंग नजर आती हैं। असेंशियल सेटिंग से मुराद ये है कि यहाँ बहुत बुनियादी जो जरूरी चीजें हैं वो सामने रख दी गई हैं, बाकी सब की सब इन मेन्यू बार्स में मौजूद हैं, इनमें इस मेन्यू बार में मौजूद है सबकी सब। बट ये मोस्टली यूज होगा इसमें विंडोज में, सब कुछ मौजूद है ये याद रखना। हम यहाँ पर असेंशियल्स क्लासिक चेंज करने जा रहे हैं। जो हमारा ये वर्क स्पेस है ये मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। बट यहाँ जो हमारे पास असेंशियल्स मौजूद है वो उसकी जगह हम यूज करेंगे असेंशियल्स क्लासिक, उसमें हमें ज्यादा डिटेल्स दिखाई देंगी। तो मैं असेंशियल्स क्लासिक पे क्लिक कर रहा हूँ। जो ही मैंने एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास कुछ पैलेट्स ओपन हो गई हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ क्या क्या कुछ है यहाँ थोड़ा सा एक नजर लगा लेते हैं। यहाँ नंबर वन हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर टूल्स हैं और राइट साइड पे पैलेट्स हैं लाइक फोटोशॉप, और सेंटर में जो है ये कैनवस नहीं है भाई, ये आर्ट बोर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हो स्वेचेस हैं, कलर्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ कलर ऑप्शन मौजूद हैं, लेयर्स भी हैं यहाँ पर हमारे पास। और ऊपर हमारे पास यहाँ जो प्रॉपर्टी बार थी फोटोशॉप में जिसे हम बोलते थे प्रॉपर्टी बार, यहाँ प्रॉपर्टी बार नहीं है बल्कि स्टेटस बार कहलाएगी, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर जहाँ जो चीज़ें सिमिलर हैं वो भी हम देखेंगे। और अब मेरी स्क्रीन भी आपके सामने आ गई है, ये पहले मैंने रोकी हुई थी इसलिए कि आपको थोड़ा सा व्यू में प्रॉब्लम ना हो। तो
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ सबसे पहले अपना हमारा टूल है यहाँ, इसमें से रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार एंड फ्लेयर को इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक टूल्स हैं वो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो इसकी इन्वायरमेंट पे काम कैसे कर रहे होंगे ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फोटोशॉप करने के बाद जब इलस्ट्रेटर पे आते हैं तो उनको इलस्ट्रेटर ज़्यादा आसान नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं फोटोशॉप में वो फीचर्स भी डिस्कस कर लेता हूँ जो मोस्टली अमूमन फोटोशॉप के ट्रेनर्स या टीचर्स नहीं डिस्कस कर रहे होते स्टूडेंट्स के सामने। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मैं उनको इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि बिकॉज मुझे स्टूडेंट्स को आगे इलस्ट्रेटर पे लेके जाना होता है, और कोर सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बताया कि इलस्ट्रेटर है, तो मैं उसके हवाले से पहले ही प्रिपरेशन कर देता होता हूँ। तो आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह, आज पहली क्लास के बाद आप काफ़ी सारा काम कर सकने के काबिल हो गए इंशाल्लाह। तो नंबर वन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रेक्टेंगल टूल। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स कुछ सेम हैं कुछ अलग हैं, मगर दोनों सॉफ्टवेयर क्योंकि एक हैं और एक जैसे हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, लाइक बहुत से टूल्स भी सिमिलर हैं इसमें, नाम उनके एक जैसे। तो रेक्टेंगल टूल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एम। मैंने इसे क्लिक किया, एक तरीका ये है कि आप इसे क्लिक करें एंड ड्रैग कर लें और ये एक रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताता जाऊँ कि जो फोटोशॉप में कैनवस था, कैनवस के एरिया के अंदर ही आप काम करने पर बाउंड थे। कैनवस के एरिया से जो चीज़ बाहर चली जाती थी वो ख़त्म हो जाती थी, बट एलिस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। एलिस्ट्रेटर में आप कैनवस एरिया से यानी आर्टबोर्ड के एरिया से बाहर भी काम कर सकते हो। वर्क स्पेस सारे का सारा जो एलिस्ट्रेटर है उसकी जो फ्रंट पे स्क्रीन नज़र आती है वो सारी की सारी वर्क स्पेस है, आप उस पर कहीं भी काम कर सकते हो। बट एट द एंड जब जॉब को फाइनलाइज करना होगा तो हमें फिर आर्टबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए आर्टबोर्ड पे ही काम करें, मैं सजेस्ट यही करूंगा। तो यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल यहां बनाया, मैं एक रेक्टेंगल यहां पर भी बना रहा हूं। अच्छा, यह एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इलस्ट्रेटर में यह भी कोई झगड़ा नहीं है कि यार आप लेयर्स पे काम करेंगे या विदाउट लेयर्स काम करेंगे। यहां पर आप विद लेयर्स भी काम कर सकते हैं और विदाउट लेयर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर जो है वो लेयर्स क्रिएट करता है बट लेयर्स के अंदर वो सब लेयर्स भी क्रिएट कर रहा होता है। इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करें, बट मल्टीपल लेयर्स पे काम करना ज़्यादा अच्छा है। बट आप ना करें तो उसके बगैर भी काम हो सकता है, तो हम उसके बगैर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और एक रेक्टेंगल मैं आर्ट बोर्ड से बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि आर्ट बोर्ड से बाहर भी काम हो सकता है। चाहे हम जो मर्जी काम करें आर्ट बोर्ड से बाहर भी हमारी वर्किंग हो सकती है, बट मैंने जैसे पहले बताया कि कोशिश करें कि आर्ट बोर्ड के अंदर ही काम करें। अच्छा, एक तरीका तो रेक्टेंगल लगाने का ये है। इसके साथ अगर आप शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे तो ये स्क्वायर शेप बना देगा बिल्कुल चारों साइडों से बराबर। और दूसरा तरीका रेक्टेंगल को बनाने का ये है कि अभी तक जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इस रेक्टेंगल का हमें साइज नहीं पता। हमने A4 साइज आर्टबोर्ड का लिया था, तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल तो बना लिया मगर इसके साइज का नहीं पता। ये हमें इंशाल्लाह आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसके अलावा भी हमारे पास विंडोज में से ट्रांसफॉर्म ओपन होता है, उसकी इंशाल्लाह डिटेल से हम उसको देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल तो यहाँ ड्रैग कर लिया था, एक को मैं जस्ट क्लिक करूँ तो क्लिक, जो ही मैंने क्लिक किया यहां पर एक विंडो ओपन हो गई जिसमें विड्थ और हाइट के बारे में आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो मैं यहां पर अगर एक बिजनेस कार्ड का साइज दूं, बिजनेस कार्ड का साइज मैं आपको पहले बता चुका हूं 3.5 बाय 2 इंचेस, क्योंकि मैंने शुरू में सॉफ्टवेयर को इंचेस में कन्वर्ट किया तो सारी की सारी वैल्यूज यहां पर इंचेस में आएंगी, तो मैं इसे ओके कर रहा हूं। तो अब मेरे पास ये एक बिजनेस कार्ड का साइज बन के आ गया। ये एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि इस कार्ड के बाहर जो होगा, जैसे मैं अगर एक रेक्टेंगल यहाँ लगाता हूँ तो हमें सिर्फ इतना ही एरिया नजर आ रहा होगा। हमारे लिए ये सारे का सारा वर्क स्पेस है, जो आपको कंप्लीट इंटायर वर्क स्पेस नजर आ रहा है ये सारे का सारा वर्क स्पेस है। तो इसमें जो चीज़ बाहर गई उसका मतलब ये नहीं कि वो कट गई, वो फोटोशॉप में तो ऐसे ही होता था। तो यहाँ कैसे होगा, हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर आप राउंडेड रेक्टेंगल भी लगा सकते हो, इसी तरह आप एलिप्स भी लगा सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो और आप क्लिक करके भी साइज अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे 2 बाय 2 इंच, ये एक सर्कल बना दिया, वापस मैंने इनको डिलीट,
और इसके बाद मैं यहाँ पर पॉलीगन शेप ले रहा हूँ, तो ये पॉलीगन शेप भी आ गई। नंबर ऑफ कॉर्नर्स या साइड्स कैसे हैंडल करेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टार शेप, तो ये स्टार शेप आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के अंदर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कॉर्नर्स। जब हम रेक्टेंगल लगाते हैं तो कुछ सर्कल्स से बने हुए आते हैं, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर। ये सर्कल्स क्या हैं? ये सर्कल्स इसके इस कॉर्नर को बेंड कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे क्लिक किया एंड ड्रैग किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कर्व हो गया, बेंड हो गया। तो राउंडेड रेक्टेंगल यूज करने की जरूरत नहीं रही। आप इवन अगर राउंडेड रेक्टेंगल ले लो, मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ और ये राउंडेड रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको और कर्व करना चाहता हूँ तो मैं इसे और कर्व कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको बिल्कुल ही रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसी को क्लिक करके बाहर की तरफ धकेल सकता हूँ, तो ये रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये वापस रेक्टेंगल बन गया और यहीं से राउंडेड रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि इनमें से चार कॉर्नर्स की बजाय कोई सा एक कॉर्नर कर्व हो तो उसके लिए क्या करना है? आपने ये सिंपल, हमारे पास ये जो सिलेक्शन टूल है फोटोशॉप में, इस टूल का नाम था मूव टूल और शॉर्ट फॉर्म थी वी। यहाँ पर भी इसका, इसकी शॉर्ट फॉर्म तो है वी, बट ये इसका नाम जो है वो है सिलेक्शन टूल। तो मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और सिलेक्शन टूल से मैं अगर सिंपल क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो चारों कॉर्नर होंगे। अगर मैं इसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर एक छोटा सा क्लिक कर दूँ, इस डॉट के ऊपर एक क्लिक कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि बाकी चारों की बनिस्बत ये वाला डॉट जो मैंने अभी लगाया है, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा सा डार्क हो गया है अपने कॉर्नर से और इसके सेंटर में एरिया खाली हो गया, मीन्स कि ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं अगर इसे ड्रैग करूँगा तो सिर्फ ये वाला कॉर्नर होगा, ठीक है। इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको, ये बार बार इस तरह से करना पड़ेगा फिर आपको समझ आ जाएगा। तो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ एंड ड्रैग कर रहा हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार एक की बजाय कोई से दो कॉर्नर्स हों तो मुझे क्या करना है, एक पे क्लिक किया, देन आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड से, एंड शिफ्ट प्रेस करके दूसरे डॉट पर भी क्लिक करेंगे एंड दोनों सेलेक्ट हो गए। अब अगर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो दो कॉर्नर्स, ये इवन ये वाला और शिफ्ट के साथ ये वाला, ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको भी किया जा सकता है। इसी तरह ये और ये, इन दोनों को भी कर सकते हैं, मैक्सिमम कर्व ले सकते हैं, तो ये इस टाइम पर ये हो गया, ठीक है जी। तो ये रेक्टेंगल के साथ दोनों ये चारों कॉर्नर्स पे डॉट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा पहले मैं इनको बता दूं। अब आ जाएं जनाब कि हम इनको जो कलर है वो कैसे देंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। कलर के लिए फोटोशॉप में होता ये था कि हमें यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे दो कलर्स मिल जाते थे, बट क्योंकि ये वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है तो वेक्टर की क्वालिटी एक ये है कि इसमें डायरेक्ट एडिटिंग पॉसिबल होती है, तो इसमें डायरेक्ट कलर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारे पास आप देख रहे हो स्क्रीन पे स्वेचेस, इनसे हम कर सकते हैं डायरेक्ट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। स्वेचेस कहाँ से ओपन होंगी? विंडोज, और विंडोज में आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये नीचे स्वेचेस, ठीक है। तो ये जो स्वेचेस हैं इनसे आप जस्ट क्लिक करेंगे, पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। याद रखना फोटोशॉप में जो सिलेक्शन होती थी वो मार्की सिलेक्शन होती थी, वो डॉट डॉट से लाइनें डैशेस जो रोटेट कर रहे होते थे, घूम रहे होते थे एक दूसरे के पीछे, वो मार्की सिलेक्शन होती थी। बट यहाँ सिलेक्शन का मतलब क्या है, आप क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, और अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ। अब इसमें कलर कैसे करेंगे, आप जस्ट क्लिक करें माउस का लेफ्ट क्लिक और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, मगर ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो आप जितने दफ़ा मर्जी क्लिक कर लो कोई कलर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक, तो ये कलर फिल हो गया। अच्छा, अब ज़रा इसे मैं जूम कर रहा हूँ और आप देख रहे हो कि इस टाइम पर यहाँ भी कलर्स हैं, और ये जो स्टेटस बार है यहाँ पर भी आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, दो इसमें से बॉक्स ओपन होते हैं, और यहाँ पर भी टूल बार पे भी कलर्स हैं। तो ये इतनी सारी जगह पर क्यों हैं, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो स्टेटस बार है इसके ऊपर पहला ऑप्शन जो है ये है फिल कलर के लिए, तो ये आप देख सकते हो, ये मैं फिल कलर चेंज कर रहा हूँ, फिल कलर चेंज हो रहा है। जो मेरे पास नेक्स्ट
ये फीचर है, ये हमारे पास है आउटलाइन या स्ट्रोक के लिए। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि आउटलाइन को इलस्ट्रेटर या एडोबी कंपनी जो है, एडोब कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर आउटलाइन को आउटलाइन नहीं बोलते बल्कि स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये स्ट्रोक के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं अब जैसे भी चाहें, और साथ ही साथ इसमें स्ट्रोक के साथ ये आगे स्ट्रोक लिखा हुआ है, ये है इसका स्ट्रोक वेट। स्ट्रोक वेट यानी इसकी आप थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये आप थिकनेस बढ़ा रहे हो, ठीक है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अब फिर यहाँ पर भी कलर्स हैं, यहाँ पर भी कलर्स हैं और सिमिलर कलर्स हैं, आप देख सकते हो, ये भी जो हमारे पास यहाँ से ओपन हो रहे हैं वो भी वही कलर हैं जो हमारे पास स्वेचेस में यहाँ दिख रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है, ये क्यों दो जगहों पर दिखे हैं? एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से फिल कलर और यहाँ से स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप यही काम कर सकते हो इधर से भी। अब इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कलर कौन सा चेंज हो रहा है, ये फिल कलर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि स्ट्रोक कलर चेंज हो जाए तो स्ट्रोक कलर तो यहाँ से चेंज नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ, ज़रा टूल बार की तरफ नज़र दौड़ाओ, यहाँ ऊपर फिल है और इसके नीचे स्ट्रोक है, यानी इसमें बैकग्राउंड कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, यहाँ एक स्ट्रोक है और एक उसका फिल है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो फिल है वो ग्रीन है, स्ट्रोक रेड है। अगर आप इन दोनों को, ये जो एरोस हैं दो आपको नज़र आ रहे हैं, इन एरोस को अगर आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो ये शफल हो रहा है, ठीक है। और अगर आप जस्ट कीबोर्ड से एक्सप्रेस करोगे तो एक्सप्रेस करो या इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके सामने फोरग्राउंड या बैकग्राउंड नहीं बल्कि स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा या फिल ऊपर आ जाएगा। ये जो दो पोजीशंस हैं इनको आपने ज़रा समझना है। मेरे पास इस टाइम पर ऊपर है, मैंने क्लिक किया है फिल के ऊपर तो फिल ऊपर है, तो यहाँ का जो पैनल काम करेगा वो फिल के लिए काम करेगा, ठीक। और अगर मैंने यहाँ से स्ट्रोक को ऊपर कर लिया तो यहाँ का जो पैनल है वो अब काम करेगा स्ट्रोक के लिए, ठीक है। और यही काम यहाँ छोटा सा एक आइकन बना हुआ है यहाँ से भी हो रहा है। अगर आप इस टाइम पर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल ऊपर आ गया, और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर फिल होगा, और अब स्ट्रोक ऊपर आ गई तो ये सियान कलर की स्ट्रोक आ जाएगी, ठीक है, बात समझ आ रही। ओके, अब तुम यह सर कर रहे होगे मुझे पता नहीं है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से आप एक्सप्रेस करके भी ये काम कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा ज़्यादा बेहतर आप कीबोर्ड से एक्सप्रेस करके कलर की आदत अपना लो, इससे ज़रा काम स्पीडी हो जाएगा, बजाय इसके कि हमारा माउस यहाँ से इस तरफ जाए, फिर पहले फिल को ओपन करे, फिर ये स्ट्रोक वाले पोर्शन को ओपन करे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप यही वाला स्वेचेस का पैनल यूज करो और कीबोर्ड से एक्स को प्रेस कर लिया करो, ठीक है। ओके जी, तो नंबर टू, ये हमें कलर भी अप्लाई करने आ गए। अब नंबर थ्री हमारे पास, यार एलिप्स तक तो कहानी ठीक है, पॉलीगन जब हम ड्रैग करते हैं तो पॉलीगन की साइड्स यहाँ नहीं कहीं भी डिस्कस हो रही, कहाँ पर है। वैसे ये साइड जो हैं ये डिस्कस होंगी इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म रोल अपने, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करने लगे हैं, मैं इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, बजाय कि मैं ड्रैग करूँ मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर एक तो ऑप्शन आ गया रेडियस, एक ऑप्शन आ गया साइड्स। तो रेडियस मींस के जिस भी रेडियस का आप ये पॉलीगन लगाना चाह रहे हो तो वो आपकी अपनी मर्जी पर है, बट यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ 2 इंच, तो ये जो 2 इंच का रेडियस है, अब रेडियस मींस के ये एक्चुअल में 4 इंच का बनने वाला है, क्योंकि रेडियस से होता है मिड पॉइंट टू कॉर्नर का फासला होता है। तो यहाँ आप साइड्स कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर साइड्स को कम कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर ट्राइंगल। सो मेरे सामने एक ट्राइंगल सामने आ गया, ठीक है, और इसमें इस टाइम पर फिल है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताते जाऊँ कि ये स्वेचेस में एक स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में एक नन ऑप्शन भी है, यानी यहाँ से आप कलर फिल ख़त्म कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैंने अब स्ट्रोक पे क्लिक किया और स्ट्रोक को भी ख़त्म कर दिया। सो इस टाइम पर देखो फिजिकली तौर पे, सॉरी विजिबली तौर पर मौजूद नहीं है जो मैंने ट्राइंगल बनाया था, मगर फिजिकली मौजूद है इस डॉक्यूमेंट में। तो वो चीज़ जो मौजूद है वो क्या चीज़ मौजूद है, जो मैं यहाँ पर माउस को जो ही यहाँ लाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ, या मैं क्लिक करता हूँ तो आपको सामने यहाँ पर दिखता है कि सेलेक्ट भी हुआ है। ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं पाथ, फोटोशॉप में भी था
सेमी वेक्टर शेप्स में। अब ये तो है ही वेक्टर सॉफ्टवेयर, तो इसमें हमें एक नजर आ रहा है यहां पर पाथ, तो ये पाथ हमारे सामने मौजूद है, तो ये पाथ कहीं नहीं जाएगा जब तक हमें इसे डिलीट नहीं करता। ठीक है, मैं वापस इसको कीबोर्ड से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, फिल ऊपर लेके आया और मैंने इसमें कलर फिल कर दिया रेड। अच्छा जी, ये हो गया ट्रायंगल। सो पॉलीगॉन को आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आप बता सकते हैं। इसी तरह यहां पर बात हो रही है स्टार, तो स्टार भी ड्रैग करेंगे तो स्टार शेप बन जाएगी, बट इन केस कि मैं ये चाहता हूं कि स्टार के कॉर्नर्स कम या ज्यादा हो जाएं, तो फिर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहां पर नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 20 पॉइंट्स बना के ओके कर लेता हूँ, तो ऐसी कुछ शेप्स मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, वापस मैं अंडू कर रहा हूँ और फिर दोबारा स्टार टू ले रहा हूँ और अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, वापस मैंने इसको 5 कॉर्नर ले लिया। अब इसके अंदर दो रेडियस आपको दिखाई दिए जब मैंने इसे क्लिक किया था, यहाँ पर एक रेडियस 1 है एक रेडियस 2 है। रेडियस 2 जो है वो है छोटा और रेडियस 1 जो है वो है ज़्यादा, 1.3334 समथिंग इंचेस, और जो रेडियस 2 है वो है 0.6667 सॉरी। तो ये दो रेडियस किस चीज़ के हैं, वो रेडियस ये हैं यार, मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा रहा हूँ ज़रा आप लोगों को समझाने के लिए कि ये क्या चीज़ है। मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने सेंटर से कैसे ड्रैग किया है, अमूमन ऐसे ड्रैग होता है बट मैंने इसको ड्रैग किया है ऐसे नहीं बल्कि आल्ट एंड शिफ्ट दबा लिया, तो ये सेंटर से बड़ा और छोटा हो रहा है लाइक फोटोशॉप। सो मैंने यहाँ सेंटर में आके ऐसे ड्रैग किया, तो इसका मैं फिल ख़त्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैं कर क्या रहा हूँ। फिल ख़त्म कर रहा हूँ और स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ इसकी ब्लैक, तो ये इसका रेडियस 1 है और रेडियस 2 जो है वो हमारे पास कहाँ है, वो है जनाब ये दो रेडियस आ रहे हैं, रेडियस 1 यानी रेडियस 1 बाहर वाला है, रेडियस 2 ये अंदर वाला है। तो अगर मैं इसको स्टार टूल को यहाँ क्लिक करूँ और स्टार के 5 कॉर्नर रखूँ और अगर मैं इसका रेडियस 2 जो है जो अंदर वाला रेडियस है इसको थोड़ा कम कर दूं, मिसाल के तौर पे इस टाइम पर 0.666 समथिंग है, तो मैं अगर इसको मिसाल के तौर पे इंचेस में 2 कर दूं, 0.2.2 तो ओके करता हूं, तो अब जो स्टार मेरे सामने आया ये ज़रा डाइटिंग वाला दुबला पतला सा स्टार आ गया। ठीक है, ये हमने फोटोशॉप में भी डिस्कस किया था डाइटिंग वाला स्टार और खाता पीता स्टार, तो ये डाइटिंग वाला स्टार आ गया और खाता पीता स्टार। सो ये जो रेडियस 2 है ये नियर बाय होगा रेडियस 1 के, सो मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ मिसाल के तौर पे और ओके, तो अब ये ज़रा हेल्दी सा बल्कि सा स्टार हो गया। तो ये आपकी अपनी मर्जी कि आप स्टार कॉर्नर्स कैसे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टार कॉर्नर्स को कम यानी इसकी जो इंडेंट साइड हमने डिस्कस किया था फोटोशॉप में, यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस को 1 रख रहा हूँ, ये रेडियस 1.25 रख रहा हूँ और नंबर ऑफ कॉर्नर्स मैं 50 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो मेरे सामने कुछ ऐसी एक शेप बन के सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया जनाब हमारा स्टार। ओके, देन पॉलीगॉन स्टार यहाँ तक कवर हो गया। लाइन कहाँ गई, तो वो लाइन हमारे पास ये नेक्स्ट टूल है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है L। ठीक है, लाइन सेगमेंट टूल इसे बोला जाता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत दफ़ा यूज़ होने वाली है हमारे डिज़ाइन में। यहाँ तो मैं इसे क्लिक करूंगा एंड ड्रैग कर रहा हूं और शिफ्ट दबा लूंगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर मैं शिफ्ट दबा के इसे रोटेट कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि ये 45 डिग्री के ऊपर जंप करती है, बिटवीन इन दोनों के दरमियान नहीं रुकती। अगर आपको इन दोनों के दरमियान रुकना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा लें, शिफ्ट छोड़ दें और यहाँ क्लिक कर लें, तो अब ये राउंड अबाउट 3 डिग्री यहाँ पर आए, तो यहाँ पर 36 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ साथ साथ डिग्रीज लिखी भी आ रही है। ओके जी, तो लाइन हम यहाँ लगा सकते हैं। लाइन की थिकनेस कैसे बढ़ेगी, अभी तो लाइन दिख ही नहीं रही, आप देखो यहाँ लाइन तो लगा ली है, अगर लाइन नहीं दिख रही तो लाइन की थिकनेस कैसे इंक्रीज होगी, तो पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे, ड्रैग करके यूं भी सेलेक्ट किया जा सकता है, जस्ट ये जो विंडो है ये किसी भी शेप के कॉर्नर पर भी टच हो गई तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगी। अब मैं इसको स्ट्रोक दे रहा हूँ और ये थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी कि आप थिकनेस कैसी रखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई जी लाइन थिकनेस। सो हमारी क्लास हो रही है लंबी, बेसिक चीज़ें तो हो गई डिस्कस और अब एक चीज़ जो और ज़रूरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। यार मैं यहाँ पर ट्रैक कर रहा हूँ, इसका फिल कलर कर रहा हूँ रेड, स्ट्रोक कर रहा हूँ ख़त्म, एक बॉक्स बनाया मैंने रेड कलर का, यहाँ पर
दूसरा एक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पर, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। तीसरा एक बॉक्स यहाँ बनाते हैं, इसका कलर ब्लू कर देते हैं। चौथा एक और बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये सब के सब बॉक्स जो हैं वो एक तरतीब में ख़ास पैटर्न पे बन रहे हैं। ख़ास पैटर्न से मेरी मुराद ये है कि आप देख सकते हो कि जो सबसे पहले बनाया था वो सबसे पीछे है, और जो सबसे बाद में बनाया था वो सबसे आगे है। तो अब हम इसके अरेंज कमांड, जो कि फोटोशॉप में तो हम लेयर्स को ऊपर नीचे कर लेते थे, और शॉर्ट फॉर्म क्या थी उसकी, कंट्रोल ब्रैकेट्स, ठीक है। सो यहां पर भी क्या होने वाला है, यहां कंट्रोल ब्रैकेट्स ही यूज होगा। यार देखो, ये सबसे पीछे इमेज मौजूद है, ये रेड कलर का बॉक्स मैंने सबसे पीछे बनाया था, मैंने इसे क्लिक किया और मैं इसे ऊपर लेके आना चाहता हूं। तो कीबोर्ड से कंट्रोल और ब्रैकेट को प्रेस करें तो एक स्टेप ऊपर आ गया, ग्रीन से ऊपर, ब्लू से ऊपर, स्यान से ऊपर, और ये ऑरेंज से भी ऊपर। और इसी तरह अगर मैंने पीछे लेके जाना है तो ब्रैकेट स्टार्ट, कंट्रोल से प्रेस करूंगा ब्रैकेट स्टार्ट, एक स्टेप पीछे, फिर पीछे, फिर फिर, और ये सबसे पीछे, ठीक है जी। अब इसमें ये ऑर्डर चेंज करने की कमांड है, और ये कहाँ मौजूद है, ऑब्जेक्ट अरेंज, और ये इसमें लिखी हुई है, ठीक है। कंट्रोल के साथ मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या होगा, ये सबसे पीछे मौजूद है, मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ब्रैकेट प्रेस किए एंड तो डायरेक्ट ऊपर, और ब्रैकेट स्टार्ट प्रेस किए तो डायरेक्ट पीछे, ठीक है, क्लियर। ओके जी, ये मैं असल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली काम आप कर सको, मैं अभी इसके बाद आपको प्रोजेक्ट सेंड करने वाला हूं इसके साथ ही। अच्छा जनाब, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब मैं आपको जूमिंग कमांड के हवाले से बता दूं, तो ये जहन में रख लो कि सेम जूमिंग कमांड्स हैं यार जो फोटोशॉप में थी, कोई फर्क नहीं है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जूम टूल भी मौजूद है, जी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और कंट्रोल के साथ माइनस और कंट्रोल के साथ प्लस दोनों किए जा सकते हैं। अब आगे बात अंडूज की, तो अंडूज बेतहाशा कर सकते हो यार, बहुत सारे अंडूज हैं, मैंने काउंट नहीं किए मगर बहुत सारे अंडूज हैं यार, इतने ज़्यादा अंडूज की जरूरत नहीं पड़ती बट आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया जनाब हमारा बेसिक सा तारुफ, एडोब इलस्ट्रेटर का बेसिक टूल्स का तारुफ, और अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट सेंड करने वाला हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको सेंड करूँगा, इसको आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ एक बॉक्स बना लिया, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं जब तक आपको एक्सपोर्ट सेटिंग्स पूरी नहीं समझाता तब तक आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो आर्टबोर्ड पे बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, जो डिज़ाइन बनाना है इटसेल्फ पूरे का पूरा डिज़ाइन यहाँ होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी ज़ाहिर है हम काट नहीं सकते, ट्रिम नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता, जो कैनवस से बाहर ले जाते थे छुप जाती थी, बट यहाँ पर आर्टबोर्ड से बाहर नहीं लेके जा सकते। तो अभी प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड आने भी नहीं लगा आपको, मगर मैं ये आर्टबोर्ड के ऊपर मिसाल के तौर पर यार एक बिजनेस कार्ड बना लेता हूँ, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लगाया और 3.5x2 इंच साइज, ये मेरा पास बिजनेस कार्ड का साइज आ गया। मैं इसमें कलर देना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे यार यहाँ से ये ब्लू, जूम कर लेते हैं, जूमिंग कमांड सेम है। मैं एक और बॉक्स लगा रहा हूँ, यहाँ स्मार्ट गाइड्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स नीचे लगा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली स्नैपिंग हो जाएगी, डोंट वरी, आपके पास ऑटोमेटिक स्नैपिंग हो जाएगी। ये स्नैपिंग कैसे हो रही है ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर रहा हूँ, ये स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही होगी बट डोंट वरी, इस स्क्रीन की अभी आपको जरूरत भी नहीं, ये कलर्स हम यहाँ से भी डबल क्लिक करके बना सकते हैं, ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन बना ली, ये यहाँ पर, ठीक है। और मैंने मिसाल के तौर पर यार ये एक लोगो बना दिया, एंड टाइप टूल फोटोशॉप में जैसे किया हुआ था, सॉरी मैं टाइप टूल बताना भूल गया, तो जस्ट लाइक फोटोशॉप वाला टाइप टूल, जस्ट क्लिक करो और लॉरम इप्सम लिखा हुआ आ रहा है, आप इसकी सेटिंग्स ऊपर से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट रेगुलर कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, फॉन्ट के साइज बड़े छोटे कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो बाकी सेटिंग्स फोटोशॉप वाली हैं, सिमिलर हैं, मगर इंशाल्लाह इनको अलहदा से क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किंगमेकर, ठीक है। तो इसी तरह मैं आर्ट से कॉपी भी कर सकता हूं, तो ये जस्ट लाइक फोटोशॉप, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी काम कर सकते हो, इवन कि आप देखो आप किंग मेकर वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमने बनाया ही बाद में लिखा है, तो अगर ये गलती से आप ऐसे लिख देते हो तो ये कंट्रोल ब्रैकेट से पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक बिजनेस कार्ड तैयार कर सकते हो, तो मैं एक बिजनेस कार्ड तो आपने बनाना है या अपनी मर्जी से, ठीक है, आपका अपना डिज़ाइन होगा, एक मैं आपको भेजूंगा प्रोजेक्ट में, इस क्लास के बाद जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उसमें एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए उसमें ये सारे टूल्स यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए। तो एक बिजनेस कार्ड आपने डिज़ाइन करना है, अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, डेजिग्नेशन ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे दो, यूनिवर्सिटी का लोगो लगा दो, कोई इशू नहीं। और लोगो यहाँ कैसे लेके आएंगे, फोटोशॉप किया हुआ ना यार, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर ले आ जाएगा लोगो, जस्ट लाइक फोटोशॉप, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, ओके। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अब ज़रा हमारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा सिस्टम यार डेवलप नहीं था, मैं घर पर बैठ के काम करने का आदी नहीं हूँ, तो मुझे ये पूरा सिस्टम अरेंज करना पड़ रहा है और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है रिकॉर्डिंग करते वक्त। और लॉकडाउन की वजह से ना मुझे अभी जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें भी परचेज की हैं, मंगवाई हैं, वो भी नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है कुछ चीज़ों में, मगर ये है कि इंशाल्लाह अब एक सीक्वेंस पे क्लासेस आ जाएंगी और अब आपने ज़रा दौड़ लगानी शुरू करनी है। फ्रीलांसिंग अब हमारे सामने है और अब कंपटीशन होगा कि कौन कौन कितना कितना अर्न कर चुका है या कर रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।